अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हमारा दिल चाह रहा था टिक्किया खाने का, तो मैं अम्मी घर पर आई हुई हूँ। आज हम बना रहे हैं टिक्किया। सामान मैं आपको बता रही हूँ। 1.25 किलो मैदा, 1.25 किलो मैदा है, और 1.5 पाव सूजी है, और 3 पाव चीनी है वो भी पिसी हुई, 4 अंडे, पिसा हुआ नारियल, तिल, छोटी इलायची और घी। अब बाकी का प्रोसीजर मैं आपको जब रेसिपी स्टार्ट करूँगी, यानी कि जब सब सब चीज़ मिलाएंगे, तो फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू करती हूँ। चलें जी, ये 1.25 किलो ना आटा हमने छान लिया है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, वो भी छान के। अब हम सूजी छानेंगे, इसमें 1.5 पाव सूजी है, और ये सारी छान के इसमें मिला देंगे। अच्छा जी, सूजी हमने छान ली है इसके अंदर, और अब हम छोटी इलायची ऐड करेंगे। छोटी इलायची, छोटी इलायची ऐड कर दी है। अब हम डालेंगे पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ नारियल ऐड कर दिया। अब हम तिल शामिल करेंगे, तिल डाल दिए। अब इसको हम पूरे बैटर को अच्छी तरह मिलाएंगे। अच्छा जी, अब हमने सारा मसाला और ये पूरा बैटर मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालना चीनी ऐड करेंगे, 6 प्याले चीनी पिसी भी लेनी है हमें। तीन प्याले सॉरी 3 प्याले चीनी है पिसी भी। चलें जी, ये 3 प्याले चीनी हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह मिलाना है। मिलाने के बाद इसमें 4 अंडे हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ आपको। अच्छा जी, ये पूरा कंप्लीट मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम 4 अंडे। घी, और ये 1 प्याला फुल घी का है, ये डालेंगे इसके अंदर, और आधा प्याला और डालेंगे इसके अंदर। चलें, ये हो गया पूरा 1.5 प्याले घी। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, अंडे और घी को मैदे में, और सूजी और चीनी इलायची सब चीज़ डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा। अच्छा जी, ये सारा बैटर मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ऐसा ऐसा दूध डालेंगे, ये रखा हुआ दूध, और इसको अब गूनना शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब ये आटा गून रहा है। आटा गूनने के बाद फिर हम आपको आगे का प्रोसीजर बताते हैं। और ये बेल के आटा हमारा ये गून चुका है टिक्कियों का। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ रहे हैं, और बाकी का प्रोसीजर बताते हैं आपको, ठीक है? चलें जी, आटा हमारा गुन चुका है। अब हमने शुरू कर दी है टिक्कियाँ बनाना। आप देख सकती हैं टिक्कियाँ बन रही हैं हमारी, ठीक है? अब मैं आपको वफ़े वफ़े से दिखाती रहूँगी ये कितनी बन चुकी हैं, और हम फ्राई किस टाइम पे करेंगे। चलें जी, टिक्कियाँ बेली जा रही हैं। देखे जी, हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं। अब ये जा रही हैं फ्राई होने के लिए, और बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ मैं कढ़ाई के पास जाकर। चलें जी, हमारी टिक्कियाँ फ्राई होना शुरू हो गई हैं, और ये रखी हुई हैं कच्ची, और ये फ्राई हो रही हैं। अब मैं आपको फ्राई के बाद दिखाती हूँ आपको। चलें जी, टिक्कियाँ उतरना शुरू हो गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ उतरना शुरू हो गई हैं हमारी टिक्कियाँ, मज़ेदार। चलें जी, कोंडे हमारे बनना शुरू हो गए हैं, और ये रखे हुए कच्चे, और ये फ्राई हो रहे हैं, और बाकी ये फ्राई हो चुके हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाजमी ट्राई करके देखिएगा, ये परफेक्ट रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़।